हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 8 सितंबर के बारे में। 8 सितंबर को कौन सा दिवस है जो हम सेलिब्रेट करते हैं? तो 8 दिसंबर को जो हम दिवस सेलिब्रेट करते हैं उसका नाम है इंटरनेशनल लिटरेसी डे। कौन सा? इंटरनेशनल लिटरेसी डे, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अब पहले बात करेंगे कि यह दिवस कब से मनाया जाता है या क्यों मनाया जाता है। आज के टाइम में देखें तो एजुकेशन की बहुत डिमांड है, और एजुकेशन के बिना कुछ भी नहीं होता। कहीं आगे बढ़ना हो तो एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो गई है। और इसकी बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1966 से। कब? 1966 में इसको फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था। किस चीज़ के लिए? एजुकेशन को, साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए इसको 1966 में पहली बार सेलिब्रेट किया गया था। और इसके अनाउंसमेंट कब हुई थी? 1965 में। 1965 में यह अनाउंस किया गया था। अब अनाउंस किया तो अनाउंस किसके द्वारा किया गया था? अनाउंस किया गया था यूनेस्को के द्वारा। किसके? यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को क्या है? ये संयुक्त राष्ट्र का एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी हम बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 16 नवंबर 1946 में। कब? 16 नवंबर 1946 में इसकी शुरुआत करी गई थी, इसको बनाया गया था, स्टेबलाइज हुआ था। और जो इसका हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर है इसका पेरिस में। और पेरिस कहाँ पड़ता है? हमारा फ्रांस के अंदर। ठीक है, फ्रांस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। 1966 में इसको पहली बार सेलिब्रेट किया गया था। और किस चीज़ के लिए? एजुकेशन को, साक्षरता को, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसको हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल। ठीक है, यह था इसके बारे में। बताइएगा कैसी लगी आपको हमारे वीडियो, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।